कितने ही कमा लो, क्लिफ्टन और सोसाइटी में बंगले बना लो, मतसकीरों पर चल लो, कालीनों पर रह लो, मोबाइल और मोबिलाइल और तमाम पुलाव कोरमा और तमाम नेमतों के साथ जब जनाजा उतरेगा तब पता चलेगा कि नजरबाजी आज कितनी काम आ रही है। सोच लो इसको, जब मुर्दा और जनाजा उतरता है तो क्या हसीन लड़के और लड़कियां सामने नहीं आती? लेकिन मुर्दा देख सकता है, जीते जी अल्लाह पर मर जाओ। जालिमों बाद में मरने से और बाद में गुनाह छोड़ने से कोई वली अल्लाह नहीं होता, क्योंकि काफिर भी मरकर गुनाह छोड़ देता है। बोलिए, काफिर मरने के बाद गुनाह कर सकता है? तो तुम्हारी मोमिन और तुम्हारी ईमानी शान क्या यही है कि मर के गुनाह छोड़ो? काफिर जैसा काम किया, काफिर भी तो मरने के बाद गुनाह छोड़ देता है, तो तुम्हारा क्या कमाल हुआ? मोमिन की शान ये है, अल्लाह के दोस्तों की शान ये है, औलिया अल्लाह की शान ये है कि जीती जी अपनी सब आरजू पर खून आरजू करके अपने मालिक को राजी कर लेते और गम औलिया अल्लाह की रजा खा लेते और जब उनको जख्म हसरत आता है तो वो दिल में खुश होते हैं कि आ मेरे अल्लाह का क्या करम है कि हमारी बुरी आरजू को हराम कर दिया और खून हसरत से हमारे दिल को लाल कर दिया। अब आफ्ताब निकलेगा पूर्व का, जब मशरक लाल होता है, जिसको तौफीक हो जाए नजर बचाने की, जख्म हसरत खाने की और खून आरजू पीने की, तो समझ लो अब इसका दिल लाल हो रहा है, अब सूरज अल्लाह के कुर्ब का निकलने वाला है।